नमस्कार दोस्तों, देखिए सवाल हमारा सवाल है कि ए बी सी के आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 14.2% बचत करता है तो उनके बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि हम थंबनेल में लिखे हैं 14+2/7%। ये 14.2% ही है दोस्तों, क्योंकि क्योंकि दोस्तों हम मोबाइल से थंबनेल बनाते हैं तो ऐसा हम नहीं लिख पाए, इसीलिए हम ऐसा लिख दिए। दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। देखिए 14 × 7 = 98, 200/7%। और ये भी क्या है, 14 × 7 = 98, 200/7%। ठीक है, अब देखिए, अब हम सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्तों, ए बी सी, ये हो गया आय, ये हो गया खर्च। तो ए बी सी के आय का अनुपात कितना है, 3:7:4, और खर्च का अनुपात 4:3:5 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है, यदि ए अपनी आय का 14.2% बचत करता है तो 14.2% बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/7। आप बोलिएगा कैसे, तो देख लीजिए, 14.2% बराबर 14 × 7 = 98, 100/7%, और परसेंट यानी कि बटा में 100। तो 14.2% क्या हुआ दोस्तों, 1/7। ठीक है, तो अब देखिए, 14.2% बराबर 1/7 होता है। और ऐसे भी होता है, 7 का अगर 14.2% निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्या क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए अपनी आय का 14.2% बचत करता है, तो देखिए अगर ए की आय दोस्तों 7 यूनिट होगी तो ए का बचत कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा ना दोस्तों। कैसे कि देखिए, ए की आय अगर 7 यूनिट है तो ए अपने आय का 14.2% बचत करता है, तो 7 यूनिट का 14.2% कितना होगा, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट बचत करता है। अब देखिए दोस्तों, ए की आय 7 यूनिट, ए का बचत 1 यूनिट, और ए का खर्च तब कैसे निकल जाएगा दोस्तों, 7 यूनिट में से 1 यूनिट अगर हम घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए का खर्च कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। आय में से दोस्तों बचत घटा देने पर क्या आता है, खर्च। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपया महीना है और उसका बचत है दोस्तों 2,000, तो कितना खर्च कर देता है, 8,000। यानी कि आय में से आप बचत घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, खर्च। अब देखिए दोस्तों, चूंकि ए बी सी के आय का अनुपात 3:7:4 है, इसलिए देखिए ए का आय हम 3x मानते हैं, बी का आय बराबर 7x मानते हैं, और सी का आय बराबर 4x मानते हैं। चूंकि आय का अनुपात 3:7:4 था, इसलिए ए का आय 3x, बी का आय 7x और सी का आय 4x मान लिए। ठीक है दोस्तों, अब वैसे ही देखिए, ए का खर्च 4y मान लेते हैं, बी का खर्च 3y मान लेते हैं, और सी का खर्च 5y मान लेते हैं। क्योंकि खर्च का अनुपात 4:3:5 था, इसलिए ए का खर्च 4y, बी का खर्च 3y और सी का खर्च 5y। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब यदि दोस्तों हम ए के आय और खर्च का अनुपात निकालें, तो कितना होगा दोस्तों, ए के आय और ए के खर्च का अनुपात। तो देखिए, ए का आय 3x है और ए का खर्च 4y है, तो ए के आय और खर्च का अनुपात क्या हुआ, 3x/4y। और यहाँ पर ए का आय कितना है, 7 यूनिट, ए का खर्च 6 यूनिट।
तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि देखिए ये ए का आय और ये ए का खर्च, यानी कि ये क्या है, ए के आय और खर्च का अनुपात, और ये भी ए का आय है ए का खर्च है, यानी कि ये भी है ए के आय और ए के खर्च का अनुपात, तो ये दोनों अनुपात बराबर होगा, इसलिए हम बराबर कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये यूनिट से यूनिट कटा, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि 9x = 14y हो जाएगा दोस्तों, यानी कि देखिए x / y बराबर कितना हो जाएगा, 14/9 हो जाएगा। अब देखिए तो x को हम मान लेते हैं दोस्तों 14 के, और y को 9 के मान लेते हैं, मान सकते हैं ना दोस्तों, x को 14 के मान लेते हैं, y को 9 के, तो अनुपात आप निकालिएगा तो 14/9 ही आएगा, क्योंकि 14 के / 9 के करिएगा तो के कट जाएगा, 14/9 ही आएगा, ठीक है। तो x को हम 14 के, y को 9 के मान लिए हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ए बी सी, ये हो गया आय, ये हो गया खर्च, तो ए का आय हम क्या निकाला थे, 3x, बी का आय 7x और सी का आय 4x, ठीक है। ए का खर्च 4y, बी का खर्च 3y और सी का खर्च 5y, यहाँ पर निकाले थे दोस्तों, वही लिखे हैं, ठीक है। अब हम x = 14 के, y = 9 के निकाल दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर x के जगह पर 14 के रखेंगे, y के जगह पर 9 के रखेंगे, तो हम रख के आपको दिखाते हैं। देखिए ए बी सी आय खर्च, तो x = 14 के, यानी कि 3 × 14 के हो जाएगा x के जगह पे, तो कितना हो जाएगा, 14 3 42 के हो जाएगा ना दोस्तों। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 के 3, यानी कि 98 के, और 14 2 56 के, ये हो गया। अब देखिए y बराबर कितना है, 9 के, तो 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 के, तो ये कितना हो गया, 36 के, 9 3 27 के, और 9 5 45 के, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर आप आय में से खर्च घटा दीजिएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा, जैसे देखिए किसी व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपया है और उसका खर्च हो जा रहा है 8,000 रुपया, तो उसकी बचत कितनी होगी, 2,000, यानी कि आय में से खर्च घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, बचत। तो दोस्तों 42 के में से 36 के घटाइएगा तो कितना आएगा, 6 के, 98 के में से 27 के घटाइएगा तो कितना आएगा, 71 के, और 6 में से 5 गया 1 11 के, यानी कि देखिए ए का बचत कितना है, 6 के, बी का बचत है 71 के, सी का बचत है कितना, 11 के। तो हमको निकालना क्या था, इनके बचत का अनुपात, तो 6 के 71 के 11 के इनके बचत का अनुपात निकाल दिए। अब के कॉमन है तो के कटा देते हैं दोस्तों, तो क्या आया, 6 अनुपात 71 अनुपात 11, यही हमारा आंसर है दोस्तों, कि ए बी सी के बचत का अनुपात 6 अनुपात 71 अनुपात 11 होगा, यही हमारा आंसर है। तो इस सवाल में आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।